नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। और हर रोज की तरह आज फिर से हाजिर हैं हम बॉलीवुड जगत की, फिल्मी जगत की 20 बड़ी खबरों को लेकर के हर रोज की तरह। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज जब हम कुछ नई खबरों को लेकर के हाजिर हों तो आपसे लगातार जुड़े रहें और आप तक खबर बड़े ही आसानी से। और अब रुख करते हैं आज की बेहद ही अहम खबरों की ओर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में दीपिका पादुकोण ने अपनी गहरी काली आंखों का चलाया जादू, दिलकश अदाएं बिखेरती आई नजर। ब्लैक ब्यूटी बनकर के कांस फिल्म फेस्टिवल में चमक उठी प्रियंका चोपड़ा, हाथ जोड़ करके अभिवादन करती नजर आई। दबंग 3 में मौनी रॉय ने ली मलाइका अरोरा की जगह, सलमान खान संग करेंगी आइटम नंबर। थॉर के एक्टर ने ब्रिज से कूद करके दी जान, आखिरी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी। कांस में प्रियंका चोपड़ा ने किया धमाकेदार डेब्यू, रेड कार्पेट पर हॉट अवतार में आई नजर। कांस 2019 में सफेद गाउन पहन करके दीपिका पादुकोण ने रेड कार्पेट पर ली एंट्री, मुड़ मुड़ करके देखने लगे लोग। अर्जुन कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हो गए 7 साल, बोले खुद बनाई अपनी पहचान। एकता कपूर ने नागिन 2 के बारे में किया चौंकाने वाला खुलासा, बोली हुई थी कुछ गलतियां। 11 साल के सनी पवार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में कमाया नाम, जीता बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले पर बनेगी फिल्म, नाम होगा हेलो ब्रदर। स्मृति ईरानी को मिला दोस्त, एकता का साथ, चुनाव में जीत के लिए दी शुभकामनाएं। फिल्म भारत का एंथम सॉन्ग आज होगा रिलीज, जबरदस्त म्यूजिक डोज के लिए हो जाएं तैयार। नाना पाटेकर को क्लीन चिट वाली खबर पर भड़की तनुश्री दत्ता, बोली कोड़ी अफवाह। अली जब्बास जफर ने शेयर किया सलमान खान का सबसे शानदार लुक, जिंदा है भारत। ट्रांसपेरेंट गाउन के बाद हीना खान का दूसरा लुक आया सामने, यूजर्स ने कहा तबाही मचा दी। सोनिया गांधी ने शुरू की गठबंधन की कवायद, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कहा 23 मई को शोक सभा। अमिताभ बच्चन ने कर दिया ऐलान, लखनऊ में होगी गुलाबों सितावों की टक्कर। अभिनेता अनुपम खेर ने दी राहुल गांधी को सलाह, जीरो से करें शुरुआत। मुझे गिरफ्तार करेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएगी, गोडसे पर बयान देने के बाद विवाद पर बोले कमल हासन। सनी देओल कर रहे हैं चुनाव प्रचार, तो पापा धर्मेंद्र का खत्म नहीं हो रहा प्यार, बोले मुझे जान से भी प्यारी है। तो ये थी फिल्मी जगत से जुड़ा 20 बेहद ही अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त हम कुछ अन्य खबरों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहना टुडेज न्यूज चैनल। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें।